दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के और छोटे से प्लान की। इसका साइज़ है 25x28 25x28 फिट में ये पूरा मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपका ये मॉडल और यहाँ का फ्रंट एलिवेशन जो है आपको एक बेहतरीन टॉप क्लास का मिलता है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर थे वो बोल रहे थे कि एक 25x28 फिट का मॉडल डिज़ाइन कीजिए जो 3 साइड क्लोज हो, केवल फ्रंट में ही ओपन हो। तो देखिए फ्रंट में ओपन है, यहाँ पर एक छोटा सा बारंदा बोल सकते हैं आप, मैंने वो दिया है और बेस्ट गेस्ट रूम के लिए फ्रंट में बेहतरीन सा डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं 25x28 फिट में। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। तो जूम करेंगे आप जैसे ही, देखिए फ्रंट से आपका रोड निकला हुआ है, इसका स्टेयर्स हैं जहाँ पर आप पहुँचेंगे बारंदे में। यहाँ पर कॉर्नर पर मैंने एक पिलर दिया हुआ है और ये जो आप रेड कलर की पट्टियाँ देख रहे हैं डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें क्रिएट की है। ये एक विंडो है, विंडो पर विंडो फ्रेम लगा हुआ है और ऊपर देखिए रेलिंग जो कि स्टाइलिस्ट क्रिएट किए ईंटों और रेलिंग का कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। ये देखिएगा, ये दोस्तों एक डिज़ाइन है जो कि बीच में लगा हुआ है, दोनों तरफ पैनल लगे हुए हैं बेहतरीन से डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से। तो ये पूरा बेहतरीन 25x28 फिट में मॉडल बनकर रेडी होता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर देखिए ये बारंदा आपका डिज़ाइन किया है। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो आप टॉप व्यू में दिखाता हूँ, ये आपका बारंदा देखने को मिल जाता है और ये विंडो है साइड से और ये एक विंडो और मैंने दिया है जो कि एक गेस्ट रूम है। उसमें जाने के लिए मैंने डोर अंदर से रखा है, अगर आप बाहर से भी देना चाहते हैं तो आप इस विंडो को एक साइड लगाकर यहाँ पर अपना डोर भी दे सकते हैं। मेन एंट्री आपकी इस डोर से होने वाली, जहाँ से अंदर जाएंगे एक और विंडो दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने किचन डिज़ाइन किया है, इसलिए वेंटिलेशन के लिए विंडो या चेयर वगैरह लगा रखी। तो मेन डोर से जैसे एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं गैलरी में या लॉन में और यहाँ पर देखिएगा ये आपकी पूरी और डिज़ाइनिंग है। जैसे यहाँ पर आते हैं तो इस कॉर्नर पर आपका बेहतरीन सा एक बेडरूम मिलता है जिसमें मैंने ये डोर दिया है। ये आपका किचन एरिया है जहाँ पर डोर दिया है। इधर आप जैसे जाते हैं तो साइड से स्टेयर्स मिलती हैं, आप चढ़ते ऊपर जाएंगे, उसके नीचे केवल लेट क्रिएट किया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके जस्ट बगल में बाथ, लेट और बाथ मैंने सेपरेट किया है ग्राउंड फ्लोर पर। इसके बाद ये आपका थोड़ा सा ओपन एरिया बच जाता है, यहाँ पर आप बीच में जाल रखवा सकते हैं जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर घर का होता रहे। तो 25x28 फुट में 2 बेडरूम, किचन बड़ा सा, लेट बाथ सेपरेट और स्टेयर्स और साथ साथ बारंदा जो कि आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक देता है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं 25x28 फुट में। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से जूम करके मैं दिखा दूँ जिससे आप अच्छा इसका पूरा प्रॉपर तरीके से देख पाएँ। तो दोस्तों सेकंड फ्लोर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर कर लें। आप वीडियो देख रहे होंगे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, इसमें लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा रहता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो बगल में आपको एक घंटी के निशान आ जाएगा, उस पर क्लिक करके वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन का ऑप्शन आएगा तो उसे आप ओके कर दें। इससे आप फ़ायदा ये होगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप हमारे वीडियोज़ देख पाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में दिखाया था, इसका लास्ट फ्लोर है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में बेहतरीन सा ग्रिल और ये रेलिंग का कॉम्बिनेशन जो आपके घर को एक 4 चांद और लगा देता है। तो ये एक बेहतरीन सा स्मॉल हाउस प्लान की बात करें, 2 बेडरूम हाउस डिजाइन की बात करें, आपको मिल जाता है। ये मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।